हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की व्हाट्सएप बैंकिंग। कोटक महिंद्रा बैंक की व्हाट्सएप बैंकिंग में आप कोटक महिंद्रा बैंक की सारी सर्विसेज का जो है कि यूज ले सकते हैं, जैसे कि दोस्तों क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना, लोन्स के लिए अप्लाई करना, क्रेडिट कार्ड को क्लोज करना या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल ड्यू अमाउंट को चेक करना, क्रेडिट कार्ड के बिल को भरना या फिर बैलेंस इंक्वायरी करना, बैलेंस को चेक करना, स्टेटमेंट डाउनलोड करना। 6 महीने तक का स्टेटमेंट आप कोटक महिंद्रा बैंक व्हाट्सएप बैंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना, चेकबुक के लिए अप्लाई करना, चेक स्टेटस चेक करना, लोन ऑफर देखना और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो है कि अनगिनत, जो है कि जितनी भी कोटक महिंद्रा बैंक की सर्विसेज हैं सभी सर्विसेज का आप अपने व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू ही आप जो है कि यूज़ ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बहुत सारी बैंकिंग के लिए वीडियो बनाई थी व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए, तो मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक के भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि कोटक महिंद्रा बैंक के लिए भी आप एक फुल वीडियो बनाएं, जिसमें मैंने आपको आज इस वीडियो में डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप कोटक महिंद्रा बैंक को यूज कर सकते हैं, कौन सा कोटक महिंद्रा बैंक का वो व्हाट्सएप बैंकिंग नंबर है, सभी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में जो है कि स्टेप बाय स्टेप को कवर किया है। दोस्तों कोटक महिंद्रा व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू आप अपने कोटक महिंद्रा बैंक के जो है कि पूरे अकाउंट्स को अपने व्हाट्सएप के थ्रू ही हैंडल कर सकते हैं। सारी सर्विसेज आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। एंड आपको वहाँ पर कोई कंप्लेन करनी है, आपका जो है कि एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी गुम हो जाता है उनकी शिकायत करना, और भी जो जितनी भी सर्विसेज है अकाउंट से रिलेटेड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड एंड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड, बैलेंस इंक्वायरी से रिलेटेड, सारी जानकारी आपको अपने व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू ही मिल जाती है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने ये सभी टॉपिक्स जो है कि कोटक महिंद्रा बैंक के कवर कर लिए हैं, यहाँ तक कि आप अपने पैन डिटेल्स को भी अपने कोटक महिंद्रा बैंक की व्हाट्सएप बैंकिंग थ्रू जो है कि अपडेट कर सकते हैं, केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, आपका सीआरएन नंबर जो होता है कोटक महिंद्रा बैंक का वो भी आप अपने व्हाट्सएप बैंक के थ्रू देख सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। सो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको समझाऊंगा, बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोटक महिंद्रा बैंक के व्हाट्सएप बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाजिद। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बैंक की वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं कि कैसे हम कोटक महिंद्रा बैंक का व्हाट्सएप बैंकिंग का यूज ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करना है। इसके बाद आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। यहाँ आपको कोटक महिंद्रा बैंक की व्हाट्सएप बैंकिंग नंबर को ओपन करना है। इसके बाद आपको हाई टाइप करना है। जैसे आप हाई टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की सभी सर्विसेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके बाद दोस्तों आप अदर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर अप्रूवल ऑफर, लोन्स, 811 अकाउंट, अप्लाई नाउ, मोर ऑप्शंस। तो यहाँ आपको कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट के सभी सेटिंग्स, सभी सर्विसेज आपको यहां पर मिल जाएंगी, यानी आप अपने बैंक अकाउंट को पूरी तरह से हैंडल व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहां पर डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप सभी सेटिंग्स के बारे में, सभी सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट, यहाँ आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना सीआरएन देख सकते हैं, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और भी सर्विसेज हैं इसके अंदर जो कि आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड में आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड स्टेटस देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स अमाउंट देख सकते हैं, ड्यू अमाउंट देख सकते हैं और भी इसके अंदर सर्विसेज हैं क्रेडिट कार्ड से संबंधित, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेबिट कार्ड की। तो डेबिट कार्ड में दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड लॉस्ट हो गया तो उसको आप यहाँ क्लोज कर सकते हैं, बंद करवा सकते हैं और भी यहाँ पर सर्विसेज हैं डेबिट कार्ड की जो कि आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पर अप्रूवल ऑफर्स की। तो अगर आपके खाते से संबंधित कोई लोन ऑफर चल रहा हो, क्रेडिट कार्ड ऑफर आपको मिल रहा है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लोन्स की। अगर आपको इंस्टेंस कोई लोन चाहिए होगी, आप इंस्टेंस लोन्स की कोई स्टेटमेंट चाहिए होगा, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होंगे तो आप यहाँ पर अपने व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू लोन के सभी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 811 अकाउंट्स की। तो आप यहां गेट सीआरएन, सीआरएन को गेट कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। एंड आप यहां पर अपना जो है कि एम पिन को सेट कर सकते हैं, अपनी केवाईसी डिटेल्स देख सकते हैं, केवाईसी अपडेट कर सकते हैं और भी 811 अकाउंट्स की डिटेल्स है, जानकारी है, सर्विसेज हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अप्लाई नाव की। तो अप्लाई नाव पर आप
इंस्टेंस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और भी सर्विसेज हैं इसके अंदर जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं मोर ऑप्शंस की। तो मोर ऑप्शंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ अपने पैकेजेस ट्रैक कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट जो ATMs हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हैं, अपने नियर बाई जो ब्रांच है उनको आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों ये हमने जान लिया है हम यहाँ पर अदर सर्विस में। यहाँ आपको कोटक महिंद्रा बैंक की सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यानी आपको बैंक जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, आप सारे काम अपने व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सभी बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में कितनी सारी सेटिंग्स हैं, कितनी सारी सर्विसेज हैं, किन किन सर्विसेज़ का आप यहाँ पर यूज़ ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक अकाउंट की। दोस्तों बैंक अकाउंट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको अकाउंट बैलेंस ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। आपको अकाउंट ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर अपने अकाउंट का 10 लास्ट ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। आपको यहाँ पर नाउ माई CRN का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर अपने CRN को देख सकते हैं। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ पर अपने स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट 6 महीने तक का आप यहाँ पर अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको चेक स्टेटस मिल जाते हैं, अगर आपका चेक स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ इस वाले चेक स्टेटस ऑप्शन का यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पर चेक बुक रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और सेंड करेंगे तो आपको चेक बुक रिक्वेस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद होम बैंकिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आप यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट एंड चेक बुक पिकअप एंड कैश DD डिलीवरी सब डिटेल्स आप यहाँ होम बैंकिंग की सर्विसेज देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो IMP से संबंधित, IMPS से संबंधित या UPI से ट्रांजेक्शन से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप यहाँ रेज ए डिस्प्यूट पर क्लिक कर अपनी कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फैक्टा डिक्लेरेशन, आप यहाँ पर अपना अपडेट डिक्लेरेशन फैक्टा इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर मोर ऑप्शंस मिल जाते हैं तो आप यहाँ पर मोर और भी ज़्यादा जो इसकी डिटेल्स है व्हाट्सएप बैंकिंग की वो आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों हमने जान लिया है कि बैंक अकाउंट ऑप्शन में सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर दे दिए गए हैं, इन ऑप्शन के हम आराम से अपने व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू यूज़ ले सकते हैं। अब दोस्तों फिर से हम अदर सर्विस पर क्लिक करेंगे और क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि आपका CRN नंबर चेक करना, एप्लीकेशन स्टेटस देखना, क्रेडिट कार्ड अमाउंट ड्यू को चेक करना, क्रेडिट कार्ड बैलेंस को देखना, जनरेट अगर आपका जो कि क्रेडिट कार्ड नया है तो पिन जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप के थ्रू पिन जनरेट करना, अपने पिन को रीसेट करना एंड क्रेडिट कार्ड ऑफर को देखना, रिपोर्ट लॉस्ट स्टोन कार्ड को करना यानी आपका क्रेडिट कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है, गुम हो गया है, टूट गया है, तो उन सर्विस का आप यहां देख सकते हैं, आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं। एंड यहां पर और हमको ऑप्शन मिल जाते हैं अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली व्हाट्सअप बैंक के थ्रू भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पे क्रेडिट कार्ड बिल, अगर आपके क्रेडिट कार्ड को टोटल बिल या जो भी बिल आप अपने क्रेडिट कार्ड का भरना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सारे डिटेल बाय डिटेल आपको क्रेडिट कार्ड के बिल से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे एंड मोर ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और भी बच्ची कुछ जो सर्विसेज हैं क्रेडिट कार्ड की वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फिर इसको दोस्तों हम बैक करते हैं एंड फिर से हम अदर सर्विस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमको डेबिट कार्ड सर्विस का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, डेबिट कार्ड सर्विस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डेबिट कार्ड सर्विस में सभी सर्विसेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जैसे कि CRN नंबर देखना, एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना यहाँ पर आपको मिल जाता है, सेट इंटरनेशनल यूजेस, अगर आप इंटरनेशनल यूजेस आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना, अप्लाई फॉर इमेज डेबिट कार्ड, इमेज वाला डेबिट कार्ड अप्लाई करना एंड रिपोर्ट और लॉस्ट के लिए रिपोर्ट करना, पिन को जनरेट करना एंड अपनी कोई शिकायत हो तो वो भी यहाँ पर सेंड करना। दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू सभी सर्विसेज का आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। आपको यहाँ पर सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं, यहाँ आप अपने पैन को अपडेट कर सकते हैं, अपने ATM कार्ड से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट, ऑफर लोन एंड KYC वगैरह सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू ही मिल जाती होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि यही वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बैंकिंग वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।